नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉम्बे टॉवर्स के डायरेक्टर श्रेयस पांडे जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18। नमस्कार। कैसे सर आइडिया आया, आप जो देश भर में आप बॉम्बे टॉवर्स को आप जो सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मध्य प्रदेश का एक एक इकलौता शॉप है भोपाल में, आप जो है बॉम्बे टॉवर्स, क्या स्टोरी रही इसके पीछे? सर, हम लोगों ने एक हेल्थ एंड हाइजीन की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हमने इंडिया में ये पाया है कि मोस्टली जो लोग हैं वो कॉटन टॉवल इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ में रैशेस, ओडोर, ये सब टाइप के इश्यूज़ भी फेस होते हैं। तो हमने बेसिकली कॉटन को रिप्लेस किया है बैम्बू फैब्रिक के साथ में, क्योंकि बैम्बू फैब्रिक एक नेचुरल और सस्टेनेबल फैब्रिक होता है और ये साथ ही साथ में 5 टाइम ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी ओडोर भी होता है। आप इसकी सॉफ्टनेस देखेंगे तो कुछ टाइम के जैसे कॉटन टॉवल्स हार्ड हो जाते हैं और हमें रैशेज के इशूज़ होते हैं, ये टॉवल्स में ये सब फेस करना नहीं पड़ता है। तो एक नया कंसेप्ट था और डे टू डे यूज़ का प्रोडक्ट है और इन्हीं मेन हाइजीन की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन लेके हम लोग लेके आए रिचीज लाइफ स्टाइल। हम लोग बार टॉवल्स, हैंड टॉवल्स, बेबी टॉवल्स, हेयर रैप्स, ये सब प्रोडक्ट में डील करते हैं। साथ ही साथ में हम लोग की जितनी भी पैकेजिंग है कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री है, 0.1% भी हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट बैग्स भी जो हम लोगों के हैं वो हम स्लम्स में देते हैं जस्ट टू सपन वुमन एम्पावरमेंट, ताकि लोग वहाँ पे उनको भी कुछ रोज़गार मिले और हमारे बैग्स उनसे हम स्टिच करके ले सके। और हमने एक सीट पेपर बनाया है क्योंकि हम लोग ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम लोग हर ऑर्डर के साथ में आपके बिहाफ पे प्लांटेशन करेंगे। सो बेसिकली हमने सीट पेपर बनाया जिसमें मैरीगोल्ड और बेसिल की सीड्स है जिसमें कस्टमर अपने घर पे ही प्लांट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ, आप इसके पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपके एजुकेशन या फिर आपने और कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा, फिर कैसे? मेरा तो काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड रहा है लाइफ में। इसके पहले ये मेरा सेकंड वेंचर है, इसके पहले भी एक वेंचर था जिसमें हम लोग रिसाइकल करके अगरबत्ती बनाते थे फ्लावर से, बट अनफॉर्चुनेटली इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ी तो वो मार्केट कोलैप्स हो गया तो मुझे बंद करना पड़ा। फिर पर्सनल कुछ मेरे फादर के हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए थे, उस दौरान एक टफ टाइम था, तो मैं मुंबई में 2.5 साल के लिए था कोटक महिंद्रा में एज अ चीफ मैनेजर, बट 2020 में अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि भोपाल ही जाके खुद का जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है उसी को कंटिन्यू करते और उसी में आगे बढ़ेंगे। बैम्बो टॉवल्स बनाने के लिए बैम्बो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते होंगे और इसका मैन्युफैक्चरिंग में भी कई समस्या आती होंगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल सर, ये बात सही कह रहे हैं आप, बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चाइना के बाद में इंडिया ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बैम्बू का, तो हमारे पास रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। हम लोग भी अपना यान असम से सोर्स करके अपने मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं और वहाँ से अपने प्रोडक्ट को स्टिच कराते हैं। तो बैम्बू एक रॉ मटेरियल वाइज अगर मैं बात करूँ तो इंडिया काफ़ी बड़ा सोर्स है, बैम्बू की तरफ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्कीम्स लॉन्च कर रही है, सो ये फ्यूचर है जो मुझे लगता है। तो इसे क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को पड़े? सर, चैलेंजेस तो मुझे लगता है आजू बाजू से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपके जानने वाले दोस्त यही आपको बोलते हैं क्या कर रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा, तो इस टाइप की चीज़ें चैलेंजेस आते हैं, बट कस्टमर मुझे लगता है आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसलिए हमारी 6 महीने में हम लोगों ने लॉन्च किया, October 2022 में लॉन्च किया था। 6 महीने की जर्नी में ही हम लोगों ने more than 1000 कस्टमर्स हम लोगों के हैं और वी आर भोपाल बेस्ड स्टार्टअप। तो एक जो मिथ होता था पहले कि बड़े शहरों से बड़ा एक स्टार्टअप बन सकता है वो खत्म हो चुका है और कहीं भी शहर से, कोई भी छोटे शहर से भी एक बड़ा स्टार्टअप निकल के आ सकता है, ये मेरा बिलीफ है। आपने तो 6 महीने की स्टोरी बताई थी और आने वाले 6 महीने में क्या क्या प्लानिंग है आपको जो बैम्बो टॉवल्स को लेकर, जो है आपने आप भोपाल में आपके एक मात्रा अभी ऐसा शॉप है जो भी मेट्रो सिटी में इंडिया में है या फिर आउट ऑफ इंडिया में आपके इसको डिस्ट्रीब्यूट या सेल करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, विजन यही है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेके जाना है और हम लोग ने इस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में हमने प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ पे हम लोग की बातचीत चल रही है। साथ ही साथ में हम लोग गवर्नमेंट जैसे कि मध्य प्रदेश टूरिज्म हो गया, इस डिपार्टमेंट से भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट अपनी खुद की वेबसाइट पर तो सेल कर ही रहे हैं। सो इन फ्यूचर 6 से 8 महीने में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, वेडिंग गिफ्टिंग, ये सब मार्केट के ऊपर भी हम लोग को टैप करने का प्लानिंग है। अच्छा, अगर कुछ लोग अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं शुरुआती दौर में तो क्या उनको जो है किन किन समस्याओं का समाधान से प्रॉब्लम्स आती हैं और था और आज के दौर में टर्नओवर आपका है? सर, शुरुआत तो बहुत छोटी करी थी, जैसे मैंने आपको बताया 2.5 साल में जो मेरा पीएफ का पैसा इकट्ठा हुआ था 2.5-3 लाख रुपए, उसी को यूज़ करके वेंचर खड़ा किया, कुछ सपोर्ट फिर मुद्रा लोन के अंडर में बैंक से मिला और अब हम लोगों ने 6 महीने के ऊपर ही 10 लाख के ऊपर का सेल कर लिया है। इस साल में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे वी विल क्रॉस more than 50 lakh rupees। सो मार्केट काफ़ी बड़ा है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जो टॉवल सप्लाई करती है, तो इसलिए हम लोग इसका मार्केट काफ़ी बड़ा देखते हैं। 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सिर्फ बाथरूम टॉवल्स की अगर मैं बात करूँ तो। इसकी से आपने आपका इतना बड़ा तो बिजनेस है, आप 10 लाख आप जो है मार्केट से पैसे भी उठा रहे हैं, तो कितने मेंबर्स हैं आपके साथ इस काम के साथ? अभी टोटल अगर मैं अपनी एम्प्लॉयज़ की बात करूँ फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों मिला के तो more than 10 लोगों की मेरे पास टीम है जिसमें मैक्सिमम वुमेन भी है,
ताकि क्योंकि हम लोग एज अ कंपनी वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं और 10 के ऊपर है। साथ ही साथ पैकेजिंग टीम की अगर बात करें तो 5 से 6 लोग, वो भी अलग अलग बेसिस पे, जो धीरे धीरे ग्रो होते जा रही है टीम हमारी। आने वाले समय में और क्या प्लानिंग हो सकते हैं आपको बैम्बू टॉवल्स के लेकर, कुछ बताएंगे? हम लोग की कंपनी का विजन बहुत सिंपल है, हम लोगों को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है रिचीज को, और इस बाट टॉवल्स हम लोगों ने शुरू किया मार्केट को सेट करने के बाद में जो नेचुरल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं हम डे टू डे यूज़ के वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे अपने ब्रांड। सर अगर हम एक बैम्बू टॉवल्स या फिर नॉर्मल टॉवल कॉटन टॉवल्स की बात करें तो आपके क्या डिफरेंसेस हैं, कुछ बताएंगे सर? जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कि बैम्बू फैब्रिक प्रोडक्ट है कुछ अलग है तो महंगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कोई ब्रांडेड टॉवल अगर आप लेते हैं तो 1500-2000 रुपए की रेंज में आपको मार्केट में मिलता है। हमारे टॉवल्स मात्र 799 से स्टार्ट होते हैं, और अगर आप स्टोर पे आके लेंगे तो एडिशनल आपको 10% ऑफ होगा, तो 699 से हम लोग के प्रोडक्ट स्टार्ट होते हैं। हैंड टॉवल की जो रेंज हमारी वो 399 की है, हेयर रैप की रेंज 399 की है, तो कोई भी प्रोडक्ट हमारा 700-800 रुपए के ऊपर में नहीं रखा है। हमने उस मार्केट को स्टडी करके ही प्राइसेस बिल्कुल अफोर्डेबल रखे ताकि लोग बैम्बू की तरफ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करें, ये हमारा मेन मकसद है। अगर जो लोग इसको अगर खरीदना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया इसकी? सर हम लोग सब जगह अवेलेबल है, चाहे तो आप फ्लिपकार्ट रिचीज लाइफस्टाइल को सर्च करिए तो हमारे सब प्रोडक्ट्स देखेंगे, अमेजोन पे भी हम लोग लाइव है, साथ ही साथ में www.richieslifestyle.com पे भी हम लोगों के प्रोडक्ट्स आप वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और भोपाल में भी हम लोगों ने फर्स्ट अपना सस्टेनेबल स्टोर ओपन किया 10 नंबर मार्केट पे, वीर जी मलाई चाप के अपोजिट में, तो यहाँ आके भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे आपको सबसे कम दाम पे मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे एडिशनल 10% ऑफ भी आपको भी मिलेगा। आपने कम दाम की बात की, क्या ऑफर्स भी कुछ लागू होते हैं गैस पे? बिल्कुल ऑफर लॉन्च होंगे, अभी हम लोग रक्षाबंधन आने वाला है तो रक्षाबंधन के ऑफर्स हम लोगों के नेक्स्ट मंथ से लाइव हो जाएंगे, और अभी भी 10% एक्स्ट्रा का ऑफ है, नेक्स्ट मंथ में और भी हम एक्साइटिंग अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर लेके आएंगे। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर।